फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि कोलेजियम सिस्टम क्या है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा होगा, आपने शपथ के बारे में, वेतन कैसे निर्धारित होता है, ये सब आपको पता होगा। वहीं अगर हम कार्यकाल की बात करें या फिर उनके निष्कासन की बात करें, तो ये प्रक्रिया भी काफ़ी हद तक आप लोगों को पता होगी। जैसा आपको पता है कि 65 इयर्स मैक्सिमम एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और वहीं अगर न्यूनतम आयु वर्ग की बात करें तो कोई भी जो मिनिमम एज है वो फिक्स नहीं करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, बट कोलिजियन सिस्टम क्या है इसके बारे में आज के इस वाले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं इस वाले वीडियो का जो PDF है उसको लेना, तो आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस मैं पूछूंगा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। उन 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे करने हैं, और वो आप मुझे टेलीग्राम पे कर सकते हैं या आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नंबर रहेगा 6395649901। अगर इस नंबर पर आप मुझे उन 3 क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो ये वाला PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आइए अब एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप लोग RO ARO के लिए या फिर UPPCS 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तुरंत हमारा ये जो PDF कोर्स है इसको परचेस करना चाहिए। इसमें आपको हर महीने 1000 MCQ मिलेंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। आपका NCERT की बुक्स 6 to 12th कवर अप हो जाएंगी, स्टैंडर्ड बुक्स सारी कवर अप हो जाएंगी, और जो करंट अफेयर है उस पर बेस्ड पूरा स्टैटिक यहाँ पर कवर किया जाएगा। ये सैम्पल फाइल जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको लेने के लिए आपको सिंपल हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इन PDF को पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपका बाकी रह जाए, इवन करंट अफेयर भी हम कंप्लीट कर देंगे इसी PDF के माध्यम से। और इस सैम्पल फाइल को लेने के लिए आपको सिंपल इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है और इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी और इस फाइल को आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एक बार आप फाइल चेक कर लीजिए, आपको अगर समझ में आए तो आप तुरंत कोर्स को परचेस करिए, बिल्कुल लेट मत करिए, ताकि आपका UPPCS और RO दोनों की तैयारी एक साथ हो। यहाँ पर हम बात करें कि एग्जैक्टली ये कोलेजियम सिस्टम है क्या, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जो जजेस की नियुक्ति होती है ये किस आधार पर होती है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि हमारे यहाँ जो न्यायालय है उसको सरकार से अलग रखा गया है। रीज़न बीइंग कि न्यायालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाए, तो ऑब्वियसली बात है कि जजों की जो नियुक्ति हो रही है उसमें सरकार का इंटरवेंशन बहुत कम होना चाहिए, हस्तक्षेप। क्यों? क्योंकि अगर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि वो स्वतंत्र रूप से वो बॉडी काम नहीं कर पाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाएगा सरकार के ऊपर। तो ये जो कॉलेजियन सिस्टम है, इसको सबसे पहली चीज़ ये है कि ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आया है, इसको संविधान बनाते समय भी नहीं रखा गया था। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको मल्टीपल स्टेटमेंट में ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो ये किस तरीके की बॉडी है? देखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक जजमेंट आते गए, तो उसी के थ्रू इसको डिवेलप करा गया है कोलेजियन सिस्टम को। एक चीज़ तो आपको ये समझना है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। और इस पूरे सिस्टम से जो काम करा जाता है वो जजेस की नियुक्ति का, दूसरा उनका स्थानांतरण यानी कि जो उनका ट्रांसफ़र होता है, तो वो सरकार से बिल्कुल अलग रहे, सरकार का कोई भी उसके अंदर इंटरवेंशन ना रहे, इसके लिए इस पूरे सिस्टम को बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसको बनाया गया है। और इसका जो पूरा एक तरीका रहता है, मतलब जो ये कोलेजियम बॉडी है, अगर आज की डेट में हम बात करें तो इसमें 5 लोग होते हैं, एक हो गए आपके CJI, इनके अलावा 4 लोग और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो, बट ये फिक्स नहीं होता, ये कंपोजिशन भी टाइमली चेंज होता रहता है। तो इसको आप मतलब एज इट इज़ नहीं याद रख सकते और उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा। बाकी हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसका जो नेतृत्व करते हैं वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश का। और अगर हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें जजेस की नियुक्ति, तो ऑब्वियसली बात है अभी हमने समझ ही लिया कि वो सिर्फ कोलेजियन सिस्टम से ही होती है, बट सरकार का रोल क्या रहता है? तो सरकार का रोल तब आता है जब एक बार कोलेजियन, जो ये पूरा एक निकाय है, जो एक बॉडी है, ये अपना एक डिसीजन देती है कि हम इन सब लोगों को चाहते हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज इनकी नियुक्ति की जाए, तब वो नाम सरकार के पास भेजे जाते हैं। अब सरकार अगर नहीं चाहती, मतलब सरकार किन्हीं नामों से नाखुश है, सरकार नहीं चाहती कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आएँ, तो सरकार जो है उसको एक बार रिजेक्ट कर सकती है। बट अगर फर्दर कोलेजियन कहता है कि नहीं, इन्हीं लोगों को हमें मतलब रिकमेंड कर रहे हैं फर्दर, तो उसके बाद सरकार को मानना पड़ता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर ऐसा होता है
कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज, वो एक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जांच कराने तक सीमित है। यदि किसी वकील की उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की जाती है, मतलब कोई भी वकील है, कोई भी लॉयर है, जिसको हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज नियुक्त किया जा रहा है, तब यहाँ पर जो सरकार है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू उसकी जांच करा सकती है। यहाँ पर सरकार का रोल आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके लिए है वो क्वेश्चन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज होते हैं वो आज की डेट में उनका नंबर क्या है, ये आपको बताना है। कितने नंबर ऑफ जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको इंक्लूड करते हुए कितने टोटल जजेज हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो अभी हमने बात करी थी कि अगर कॉलेजियम में जो नाम रिकमेंड करे हैं सरकार नहीं चाहती उन लोगों को बनाना, सरकार को कुछ आपत्तियां हैं, तो सरकार जो है उस पर आपत्तियां उठा सकती है और क्लेरिफिकेशन मांग सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को फिर से दोहराता है तब सरकार को उन्हें नियुक्त करना पड़ता है, यहाँ पर सरकार की मजबूरी हो जाती है। इसके बाद कभी कभी सरकार नियुक्तियों में देरी करती है, मतलब सरकार नहीं चाहती कि इन लोगों का अपॉइंटमेंट हो, सरकार डिले करती जाती है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार से नाराज भी हो जाता है। कॉलेजियम की आगे अगर हम बात करें तो ये प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला, एक मतलब जो जजेस जो मैंने आपको बताया था कई सारे। तो आगे हम देखें तो इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि कॉलेजियम संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या के माध्यम से अस्तित्व में आया है, जो कि न्यायालय ने इन न्यायाधीशों के मामले में बनाया। मतलब टाइमली जो जजमेंट आते चले गए उन्हीं जजमेंट के थ्रू ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम जो है ये डिवेलप हुआ है, जिसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके बाद बात आती है कि कॉलेजियम प्रणाली कि किस आधार पर आलोचना की गई। तो सबसे पहली बात देखिए, सरकार का इंटरवेंशन नहीं है, कोई पब्लिक को कुछ पता नहीं होता कि कॉलेजियन में कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन से जजेस हैं, किस आधार पर, मतलब क्या तरीका है इनका, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ये नियुक्ति कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर बायसनेस हो रही हो, क्या कुछ हो रहा हो, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर वही जो आलोचक हैं, इसके क्रिटिक हैं, वो ये कहते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म जो है एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें मतलब गैर पारदर्शी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। दूसरी बात ये कि इसे एक बंद दरवाजे के रूप में देखा गया, यानी कि क्लोज डोर है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ नहीं पता, किस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करवाई जा रही है कुछ नहीं पता, क्योंकि पब्लिक की नॉलेज में कुछ भी नहीं आता। तो ये इसकी जो क्रिटिक्स हैं वो उनका कहना यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ। पहला आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस, अगर किसी जज ने मतलब किसी जज पे कोई आरोप लगा हुआ है तो उसका निष्कासन किस तरीके से होगा, मतलब रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, किस आधार पर है और कौन इसका रिमूवल करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में कब आई थी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको ये बताना है। पहला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग मैंने आपसे पूछा था वो आपको बताना है। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और इस वाले वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप लोग इन दोनों ही माध्यम से अपने आंसर्स दे सकते हैं। नंबर मैं दोहरा रहा हूँ, 6395649901। उसके बाद ये PDF आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।